रोजगार सहायक पर हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर पंचायत सचिवों ने कलेक्टर और एसपी को दिया ज्ञापन। पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों ने 3 दिन का दिया अल्टीमेटम। कार्यवाही नहीं होने पर कलमबंद हड़ताल पर जाने की चेतावनी। शिवपुरी जिले के सिरसौ थाना क्षेत्र के खोरगार पंचायत में रोजगार सहायक और उसके भाई पर सरपंच और उसके परिवार के 3 अन्य लोग द्वारा किए गए हमले के मामले में आज एकजुट हुए रोजगार सहायकों और पंचायत सचिवों ने आरोपी सरपंच और उसके साथियों की गिरफ्तारी और शासकीय कार्य में बाधा एवं हत्या के प्रयास की धारा बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर एसपी कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों ने प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। मामले में उचित कार्यवाही नहीं होने पर कलमबंद हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। अधिकारियों ने इस मामले में कर्मचारी संगठन को उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। राजेश रावत। राजेश जी, किस पद पे हैं आप? मैं जिलाध्यक्ष हूँ यहाँ रोजगार सहायक संगठन का। आज रोजगार सहायकों ने एसपी ऑफिस को ज्ञापन दिया, क्या कुछ मांग थी आपकी? आज हम सचिव और रोजगार सहायक आज कल ग्राम पंचायत खोरगार में सरपंच द्वारा ग्राम रोजगार सहायकी पर प्राणघातक हमला किया गया, उसी के विरोध में यहाँ ज्ञापन देने आए कि उस पर कार्रवाई हो, गिरफ्तारी हो और सरपंच को पद से पृथक किया जाए। अच्छा, तो दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, वो तो दोनों पक्ष घायल थे उसमें, दोनों पक्षों के खिलाफ गलत हुआ है, उधर से झूठी एफ आई आर की गई है, मारपीट रोजगार सहायक और उसके भाई की हुई है। विवाद क्या था इस पूरा? कोई गलत पैसे निकलवाना चाह रहे थे फर्जी, उसने मना किया बस यही। इस बात पे मारपीट हो गई। अच्छा, जैसे अभी आपको क्या आश्वासन दिया एसपी साहब ने? साहब ने जाँच के लिए लिख दिया एसडीओ साहब को फौरी को और बोला कि गिरफ्तारी की जाएगी शीघ्र ही और यदि वहाँ से जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके आधार पर धाराएं बढ़ाई जाएंगी। कुछ लोग बात बता रहे हैं कि पैसे भी लूटा पार्टी ऐसा कुछ। हाँ, जो क्यूस चला था उनका भाई, तो उस पर उसके पास जो पैसे थे वो भी लूट लिए गए हैं। 7-8 लोग।